ए स्नैक इन द ग्रास बाई आर के नारायण क्लास एलेवेंथ की इंग्लिश है। ए स्नैक इन द ग्रास आर के नारायण, जो कि रेनबो बुक से ली गई है। तो सबसे पहले हम लोग अबाउट द ऑथर यानी आर के नारायण के बारे में थोड़ा सा जान ले, फिर आगे हम लोग इसकी समरी देखेंगे और इसी वीडियो के लास्ट में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, तो आप पूरी वीडियो को आराम से देखिए और अबाउट द ऑथर समरी और लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अबाउट द ऑथर, आर के नारायण वॉज बॉर्न इन 1906 इन चेन्नई एंड डाइड इन 2001। आर के नारायण का जन्म 1906 में चेन्नई में हुआ था और इनकी मृत्यु 2001 में हुई थी। हिज फुल नेम वॉज रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी, बहुत बड़ा नाम है और ये इनका पूरा नाम है, रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी। His father's name was कृष्णस्वामी अय्यर एंड मदर्स नेम वॉज सोरा, इनके पिताजी का नाम कृष्णस्वामी अय्यर था और इनके माताजी का नाम सोरा था। He got the साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1960 और 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। His important works are The Guide, Next Sunday, Lolly Road, etc. और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में द गाइड, नेक्स्ट संडे और लॉली रोड, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एकम्प्लिश्ड एंड वेल नॉन इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश और वह भारत के महत्वपूर्ण लेखकों में से एक रहे हैं। काफ़ी इन्हें निपुण लेखक माना गया है। एकम्प्लिश्ड मीन्स होता है निकुम। तो भारत में जितने भी निपुण और अच्छे साहित्य इंग्लिश के साहित्यकार हुए हैं उसमें ये भी बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। चलिए, तो ये था आर के नारायण के बारे में छोटी सी जानकारी। अब आगे हम लोग इस चैप्टर का समरी समझते हैं। अ स्नैक इन द ग्रास हैज़ बीन रिटन बाय आर के नारायण। ए स्नैक इन द ग्रास आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। वन आफ्टरनून द मेम्बर ऑफ ए फैमिली वर टेकिंग रेस्ट, एक दोपहर की बात है जब परिवार के सारे सदस्य आराम कर रहे होते हैं। अ साइक्लिस्ट रैंग द बेल ऑफ हिज साइकिल एंड सैड दैट ए स्नैक वॉज एंटरिंग द कंपाउंड ऑफ द हाउस, एक साइकिल सवार व्यक्ति अपने साइकिल की घंटी बजाता है और चिल्लाते हुए ये कहता है कि कंपाउंड, घर के कंपाउंड के अंदर सांप घुस रहा है, और ये कह कर के वह आगे निकल जाता है। होल फैमिली केम आउटसाइड एंड सॉ दैट द सर्वेंट दासा वॉज स्लीपिंग, और कंपाउंड के अंदर जो घर रहता है उस परिवार के सारे सदस्य, सारे लोग ये आवाज़ सुनकर बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि उनका नौकर, जो दास, उनका नौकर दासा रहता है, वह सो रहा होता है। दे वोक हिम अप एंड टोल्ड अबाउट द स्नैक एंड फोर्स्ड टू सर्च द स्नैक, वे सारे लोग उस नौकर को जगाते हैं और उसे कहते हैं कि कंपाउंड के अंदर सांप आ गया है, जाकर के इसे सर्च करो कि वह कहाँ है। सम नेबर्स also केम देयर एंड accused द सर्वेंट दैट ही was वेरी लेजी, इसी बीच वहाँ पे उसके कुछ पड़ोसी वहाँ आ जाते हैं और नौकर दासा पे ये आरोप लगाते हैं कि वह बहुत ही सुस्त और आलसी है। इसमें एक वर्ड आ रहा है accused, accused मिस होता है इल्ज़ाम लगाना या आरोप लगाना, नेबर्स मिस तो पड़ोसी मालूम ही है। आगे बढ़ते हैं। द सर्वेंट दासा मेड एक्सक्यूजेज, और नौकर दास तरह तरह के बहाने बनाना शुरू करता है जब उस पर ये आरोप लगाते हैं लोग। तो अ कॉलेज बॉय ऑफ द फैमिली टोल्ड अबाउट द डेथ ड्यू टू स्नैक बैटिंग, इसी बीच उस परिवार में एक कॉलेज बॉय रहता है, ऐसा लड़का जो कॉलेज में पढ़ता है, वह सांप के काटने से होने वाली मृत्यु के बारे में उस समय डिस्कस करता है और ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं।
दे ट्राइड टू सर्च द स्नैक बट फेल्ड। वे सारे लोग सांप को खोजने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। देन एन ओल्ड बेगर लेडी केम एंड टोल्ड नॉट टू किल द स्नैक। तभी एक बूढ़ी भिखारीन महिला वहां पहुंचती है और ये कहती है कि इस सांप को मत मारो। इट मे बी गॉड सुब्रमण्यम, बताती है कि हो सकता है यह कि गॉड सुब्रमण्या हो, आप इसे नहीं मारे क्योंकि ये हो सकता है ईश्वर हो। मना करती है वह सांप को मारने से। मीन वाइल एंड ओल्ड स्नैक चार्मर केम एंड टोल्ड दैट ही कुड कैच द कोबरा इजीली इफ दे शो वेयर द स्नैक वॉज। इसी बीच मीन वाइल मीन्स क्या होता है, इसी बीच स्नैक चार्मर मीन्स होता है सपेरा, सांप को पकड़ने वाला। तो इसी बीच एक सांप को पकड़ने वाला सपेरा वहाँ आता है एंड टोल दैट ही कुड कैच द स्नैक कोबरा इजिली, और बोलता है कि मैं तो सांप को बहुत ही आसानी से पकड़ सकता हूँ कोबरा को, लेकिन तुम्हें दिखाना होगा। अगर मुझे कोई ये दिखा दे कि सांप कहाँ है तो मैं इसे आसानी से पकड़ सकता हूँ। सडनली द सर्वेंट दासा केम विथ ए पॉट एंड टोल्ड दैट ही हैड कॉट द स्नैक। इसी बातों के बीच अचानक से, सडनली मीन्स अचानक, नौकर दास बाहर की तरफ आता है पॉट लेकर के, पॉट मीन्स एक घड़ा लेकर के आता है और बताता है कि उसने सांप को पकड़ लिया है उस घड़े में। ही वेंट टू हैंड ओवर द स्नैक टू द स्नैक चार्मर, और वह सांप को लेकर के उस घड़े सहित उस मदारी के पास, सॉरी उस सपेरा के पास चला जाता है उसे यह सांप देने के लिए। एज ही वेंट द यंग सन क्राइड सी देयर अ कोबरा केम आउट ऑफ द होल। एज ही वेंट द यंग सन क्राइड सी देयर अ कोबरा केम आउट ऑफ द होल। इसी बीच जैसे ही नौकर दासा उस घड़े को, सांप वाले घड़े को लेके वहाँ से चल देता है, उस परिवार का एक यंग बॉय, एक युवा बेटा चिल्लाता है सी देयर, वहाँ देखो एक कोबरा केम आउट ऑफ द होल, बिल से एक कोबरा निकला, ऐसा चिल्लाता है उस परिवार का यंग बॉय। एवरीबडी गेदर्ड देयर एंड द स्नैक हिड इन अ ड्रेन। एवरीबडी गेदर्ड देयर एंड द स्नैक हिड इन अ ड्रेन। सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, गेदर्ड मीन्स इकट्ठा होना, सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं जब वह यंग लड़का चिल्लाता है तो कि एंड द स्नैक हिड इन अ ड्रेन। और जैसे ही वे लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पे सांप को देखने के लिए, सांप नाले में छुप जाता है, ड्रेन मीन्स नाला, नाला में छुप जाता है। द मिस्ट्री रिमेंड वेदर देयर वर टू स्नैक और द पॉट वॉज एम्प्टी। द मिस्ट्री रिमेन वेदर देयर वर टू स्नैक और द पॉट वॉज एम्प्टी। मिस्ट्री मिस होता है रहस्य, रिमेंड मिस रह जाना, वेदर मिस या तो, और एम्प्टी मिस खाली। तो द मिस्ट्री रिमेंड वेदर देयर वर टू स्नैक और द पॉट वॉज एम्प्टी। अब यहाँ पे ये रहस्य खुलता ही नहीं है, रह ही जाता है कि घर में अब दो सांप था या फिर दासा नौकर जो पॉट लेकर के गया था और बोला था कि मैंने सांप को पकड़ लिया, तो क्या वो खाली पॉट था? हो सकता है वह झूठ बोल रहा हो कि मैंने सांप को पकड़ लिया है और वो चला गया हो, तभी तो उसके जाने के बाद एक सांप और निकलता है घर में। या ये भी हो सकता है कि उसने सांप को पकड़ लिया हो और ये दूसरा सांप फिर से निकल आया हो। तो मिस्ट्री यहाँ पे क्लियर ही नहीं हो पाया क्योंकि दासा ने सिर्फ बोला था, घड़ा किसी को दिखाया नहीं था, तो यह सस्पेंस बना ही रह जाता है। चलिए ओवरऑल तो ए स्नैक इन द ग्रास आर के नारायण की लिखी हुई थी, यह समरी थी क्लास 11th के लिए। अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप अपना आंसर
अपने कॉपी में, नोटबुक में आप लिख सकते हैं। कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने सारे वीडियो पे कमेंट को बंद कर दिया है क्योंकि बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। आप अपने कॉपी पे आंसर लिखिए और मेरा आंसर से फिर लास्ट में आप मिला सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। आर के नारायण वॉज बॉर्न इन, ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से अपने कॉपी में आप टिक लगाइए। आर के नारायण वॉज बॉर्न इन, अभी जस्ट मैंने अबाउट द ऑथर में बताया है कि आर के नारायण का जन्म कब हुआ है। अगर आपको याद है तो कॉपी में अपना आंसर लिखिए, जब मैं बोलूँगा तो आप मिला लीजिएगा। चलिए तो मैं आपको बता दूँ, इसका राइट आंसर होगा ए 1906। जी हाँ, आर के नारायण साहब का जन्म 1906 में हुआ था। आर के नारायण वॉज डाइड इन, आर के नारायण वॉज डाइड इन, आर के नारायण की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है, आप अपना आंसर कॉपी में लिखिए और जब मैं बताऊं तो आप मिला लीजिए और फिर देखिए लास्ट में आपका कितना सही होता है। चलिए तो इसका सही आंसर होगा बी 2001। जी हाँ, राइट आंसर होगा बी 2001। आर के नारायण बिलोंग्स टू, आर के नारायण कहाँ के राइटर थे। ऑप्शन आपके सामने हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा डी इंडिया। जी हाँ, आर के नारायण एक इंडियन ऑथर थे। आर के नारायण गॉट द साहित्य अकादमी अवार्ड इन, आर के नारायण साहब को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था। अभी जस्ट मैंने अबाउट द ऑथर में आपको बताया। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ए 1960। जी हाँ, आर के नारायण साहब को साहित्य अकादमी अवार्ड 1960 में मिला था। हु रोट द गाइड, हु रोट द गाइड, द गाइड के रचनाकार कौन है, किन्होंने लिखा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए जी गार्डिनर, आर के नारायण, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। बता दूं कि इसका सही आंसर होगा बी आर के नारायण। जी हाँ, राइट आंसर होगा बी आर के नारायण। ऐसा मैंने इस बात को मैंने अबाउट द ऑथर में भी बताया है कि आर के नारायण की इम्पोर्टेंट वर्क्स क्या क्या रहे हैं, तो द गाइड उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। दासा वॉज ए, दासा वॉज ए, दासा कौन था इस कहानी में, नेबर था, पड़ोसी था, मेंबर था, सदस्य था उस परिवार का, या सर्वेंट था, नौकर था, या बेगर एक भिखारी था। क्या लगता है आपको, अपना आंसर आप अपने नोटबुक में लिखिए, फटाक से ऑप्शंस लिखिए। चलिए तो आपने आंसर डिसाइड कर लिया, हाँ ठीक है, चलिए आप मिलाइए आपका आंसर सही है या गलत। इसका राइट आंसर होगा सी सर्वेंट, बिल्कुल, और आपने भी बिल्कुल सही जवाब लिखा था, तो राइट आंसर होगा सी सर्वेंट। Who told about the death due to a snake biting? Who told about the death due to a snake biting? इस कहानी में सांप के काटने से होने वाली मौत के बारे में किसने बताया था? ए स्नैक चार्मर, क्या सपेरा ने बताया था, बेगर भिखारी ने बताया था, ए कॉलेज बॉय, या कॉलेज बॉय ने, या दासा ने बताया था। चलिए अब तक आपने अपना आंसर अपने कॉपी में लिख लिया होगा, अब आप मिला लीजिए। इसका राइट आंसर होगा सी ए कॉलेज बॉय, राइट आंसर होगा इसका सी ए कॉलेज बॉय। द स्नैक मे बी द गॉड, द स्नैक मे बी द गॉड, इस कहानी में बताया गया है कि जो सांप कंपाउंड के अंदर आया था वो कौन सा ईश्वर हो सकता है, ईश्वर का नाम उसमें जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, समरी तो आपने जस्ट देखा है तो आपको आंसर आना चाहिए। चलिए तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा बी सुब्रमण्या। जी हाँ, इस चैप्टर में कहा भी गया है द स्नैक में बी द गॉड सुब्रमण्या। हु सॉ द स्नैक एट फर्स्ट, हु सॉ, स्वामी होता है देखा, हु सॉ द स्नैक एट फर्स्ट, सबसे पहले सांप को किसने देखा था, दासा ने, नेबर ने, स्नैक चार्मर ने, या साइक्लिस्ट ने। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा डी साइक्लिस्ट, एक साइकिल सवार व्यक्ति ने सबसे पहले सांप को देखा था और उसने ही चिल्लाना शुरू कर दिया था। द स्नैक हिड इन ए डैश, द स्नैक हिड इन ए, सांप कहाँ छुप गया था, याद कीजिए वो घटना जब सारे लोग चिल्लाने लगे थे लास्ट में, तो वहां पे जब इकट्ठा हुआ तो सांप कहाँ छिप गया था, पॉट में, ड्रेन में, वेल में, या कंपाउंड के अंदर।
चलिए तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा बी, ड्रेन। जी हाँ, द स्नैक हिड इन अ ड्रेन। सांप एक ड्रेन में, नाले में छिप जाता है। तो इस वीडियो में आपके लिए मैंने प्रस्तुत किया ए स्नैक इन द ग्रास चैप्टर का ऑथर्स के बारे में डिटेल्स, और इस चैप्टर की समरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक ही वीडियो में मैंने डाल दिया। चलिए तो अब इस चैप्टर का अगर मैं क्वेश्चन आंसर इसमें डालूं तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और आप लोग बोर फील करने लगोगे, एक बार में सारा नहीं देख सकोगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग इसी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। तो उम्मीद है कल हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।